निगम, क्या हाल है आप सबके? आज जो हम बना रहे हैं उस रेसिपी का नाम है चिकन का कोरमा। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में बना सकते हैं, आज मैं इसको चिकन में बना रही हूँ। बहुत अच्छा बनता है और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनता है। इसमें कोई भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा और बहुत अच्छा आपका भी तैयार होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम प्याज का जो रेशो रखते हैं वो हमेशा चिकन के ऊपर होता है। मेरे पास जैसे 1 kg से थोड़ी सी ज़्यादा जो है होगी चिकन ना, आपके पास देखिए 1 kg के अंदर 250 ग्राम का ना आपने एक पाव का आपने हिसाब रखना है। जैसे कि अगर आपकी 1 किलो चिकन है तो आपने एक पाव ही जो है वो प्याज रखनी है और एक पाव ही दही रखनी है। तो मेरे पास किलो से थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैंने जो है वो उतनी ही अपनी ये देखें अनियंस ले लिए। उसको ऐसे आपके पास कोई भी स्लाइसर हो या आप बारीक काट सकें छुरी से तो आप उसको बारीक काट लें। 1 कप मेरे पास थिक योगर्ट है, मतलब ये अच्छा खासा, मतलब ये गाढ़ा दही है। ये देखें मैंने इसको फेटा नहीं है आप लोगों को दिखाने के लिए, काफ़ी थिक है। ठीक है, साथ में ये मैंने बड़ी वाली जो इलायची होती है जिसे आप ब्लैक कार्डमम कहते हैं, उसके मैंने सिर्फ दाने लिए हैं, मतलब उसको कूटा, उसके अंदर से जो बीज निकले वो है मेरे पास। साथ में ये हीप फुल मेरे पास जो है वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, और बाकी जितनी भी क्वांटिटीज होंगी इंग्रेडिएंट्स की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और साथ में वीडियो के साइड पे भी डाल दूंगी, तो आपको इजी रहेगा। ये मैंने लिया है कोरमे में, मैं हल्दी नहीं डालती, मुझे नहीं पता लोग डालते हैं नहीं डालते, लेकिन मैं कोरमे में हल्दी नहीं डालती। ये मैंने कोरिएंडर पाउडर ले लिया है, ये चिली पाउडर है, साथ में सॉल्ट है, ये बहुत सारी मैंने एक बड़ा पीस अदरक का लेके इस तरह इसको जूलियन में कट कर दिया था। साथ में ये देखें मैंने जो है 4 to 5 ग्रीन कार्डमम ले ली है, यानी कि हरी इलायची है, साथ में लौंग है, साबुत काली मिर्च है, और ये जो है पैन के अंदर मैंने तकरीबन 1/2 कप के करीब जो है ऑयल डाल के गरम करने के लिए रख दिया है। घी में बनाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन आपको पता है आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है तो कभी कभार चल जाता है, लेकिन ये है कि मैं तो अभी डेली खाने के ही तौर पे बना रही हूँ तो मैंने ऑयल यूज़ किया है। और आए स्टार्ट करते हैं बस फिर। अच्छा, ये जो और थोड़ा सा जो है हमें केवड़ा एसेंस भी चाहिए होगा जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी, तो ये केवड़ा एसेंस है। चलें अब स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें मेरे अब पॉट के अंदर जो है ये ऑयल हीट अप हो गया है। अब मैं इसके अंदर अपनी अनियंस डाल दूंगी, ये देखें ये मैंने अपनी अनियंस डाल दी, साथ ही में ये मैं अपनी इलायची के दाने डाल के इसको बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर दूंगी। ये मेरी प्याज जो है बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, क्रिस्पी सी। अब मैं इसको सिंपल सा जो है ये देखें इस तरह से करके ये मैंने इसका एक्सेस सारा ऑयल निकाला, और अब मैं इसको ये किचन टावल के ऊपर फैला दूंगी। ये देखिए मैंने ये निकाल ली है सारी अनियंस, और उसको मैंने किचन टावल पे फैला दिया है। अब मैं इसके अंदर जो है अपनी चिकन ऐड कर लूंगी। ये देखिए मैंने अपनी चिकन इसके अंदर ऐड कर दिया। मैं इसको चिकन को पहले अच्छे से भून लूंगी। ये देखिए चिकन थोड़ी हल्की सी भुन गई है। अब इसी के अंदर मैं अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूंगी और अपने तमाम मसाले मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये देखें तो मैंने अपने तमाम मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए। ये देखिए मैंने अपने तमाम मसाले ऐड कर दिए, और अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब जो है वाटर डाल दूंगी ताकि मेरे मसाले ना जलें, और मैं इसको अच्छे से तेज फ्लेम के ऊपर भून लूंगी अच्छे से। लेकिन जब तक ये भुन रहा है मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने ब्लेंडर का जग ले लिया है। इसके अंदर मैं क्या करूँगी कि हाफ, मतलब अपनी जो हाफ मेरी योगर्ट है, ये देखें ये जो योगर्ट है इसमें हाफ मैं इसके अंदर डाल दूंगी, थोड़ी सी हाफ मैं रोक लूंगी। ठीक है, और इसी के अंदर जो है वो मैं अपने अनियंस ऐड कर दूंगी और मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी। मैं इसके अंदर पानी नहीं डालूंगी, डायरेक्ट इसको ब्लेंड कर लूंगी। तो देखिए चिकन मेरी अच्छे से भुन गई है मसाले के अंदर। ये देखें आपको मसाला दिख रहा होगा, इसे हमने ऑयल बड़ा अच्छा सा रिलीज़ कर दिया। अब मैंने जो 1/2 कप अपनी दही जो बचाई थी योगर्ट, मैं ये ऐड करके और चिकन को जो है फुल टेंडर होने तक रख दूंगी। और मैं इसके अंदर पानी बिल्कुल ऐड नहीं करूंगी, चिकन आपको पता है वैसे ही वो होता है
हाँ, आप मटन और बीफ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इस स्टेज पे पानी ऐड कर लीजिएगा। तो अब ये दिखाती हूँ मैं आपको, जब ये चिकन फुल टेंडर हो जाएगी, भुन जाएगी, तो फिर उसके बाद में बताती हूँ आपने फर्दर ऑन क्या करना है। ये हमारा बिल्कुल भुन गया है, गोश्त भी हमारा टेंडर हो गया है बिल्कुल। और अब मैंने जो ये पिसा था, फ्राई अनियन थी और साथ में इसके अंदर जो है वो काली वाली बड़ी इलायची के दाने थे और जो थोड़ी सी दही मैंने बचाई थी उसको मैंने पीस लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, ये देखिए मैंने अपना जो वो ग्राइंड किया हुआ दही और प्याज था वो मैंने डाल दिया। अब मैं इसके अंदर जो है वो एक से दो ड्रॉप जो है केवड़ा एसेंस के डालूंगी। ये देखिए मैं एक से दो ड्रॉप जो है केवड़ा एसेंस के डाल रही हूँ, ये बस बहुत है। अब मैं इसको लिड लगा के बस 5 से 10 मिनट दूंगी और मुझे इसके बाद इसको कुक नहीं करना, बस 5 to 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम के ऊपर मैं इसको दम पे रख दूंगी। ये देखिए 5 से 10 मिनट हो गए, मैं इसके लिड हटा के अब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्ता जो है वो शादियों का टाइप का कोरमा आपका तैयार होगा। और इसकी एक ख़ासियत ये है कि बहुत दानेदार बनता है। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये बिल्कुल ही जो है वो दानेदार सा, बिल्कुल इसका हल्का सा बिल्कुल मसाला होता है। इसमें जो है वो ऑयल आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, यही कोरमे की पहचान है। ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपके घर वालों को सबको बहुत पसंद आएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और बहुत दानेदार बनता है और बहुत लजीज लगता है खाने में, और झटपट तैयार होने वाली ये डिश है। अब मैं फटाफट से आप इसको जो है वो डिश आउट करके दिखाती हूँ। और मैंने इसको जो है वो तंदूर की रोटी और शीरमाल के साथ सर्व किया था, और मैं आपको इंशाल्लाह फर्दर ऑन तंदूर की रोटी और साथ में जो है शीरमाल की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। अब तक अपना बहुत ख्याल रखें, उम्मीद है कि आपको आज की डिश बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।